दोस्तों, आखिर वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार देवघर वासियों को लंबे अरसे से था। जी हां दोस्तों, देवघर एयरपोर्ट से हवाई जहाज की उड़ान भरने के दिन का इंतजार करने वाले लोगों के लिए खुशी का दिन आ गया है, क्योंकि 5 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि देवघर एयरपोर्ट से यात्रियों को लेकर पहला विमान कब उड़ान भरेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उद्घाटन की तिथि तय करने से पहले एयरपोर्ट से जुड़े सारे बिंदुओं पर एक एक कर समीक्षा कर रही है। सुरक्षा और सुविधा के साथ साथ विमान के ऑपरेशन में उपयोगी सभी उपकरण को परखा जा रहा है। रनवे का ट्रायल पहले से ही हो चुका था, अब उनको दोबारा क्रॉस चेक किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक उच्च स्तरीय बैठक कर रही है, जिसमें विमान के रूट तय हो रहे हैं। सब कुछ तय होते ही आम जनता को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह बता देगी कि एयरपोर्ट घरेलू उड़ानें कब शुरू कर रही है। साथ ही अगले 2-4 दिनों में यह भी तय हो जाएगा कि उद्घाटन की तिथि कब तय की जाएगी। एयरपोर्ट की सुरक्षा में प्रतिदिन पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों को रांची एयरपोर्ट पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो अब देवघर लौटने वाले हैं। टर्मिनल के अंदर का सारा काम पूरा हो गया है। पार्किंग एरिया से लेकर लॉन्च पार्क रोड सभी चीजें तैयार हो गई है। अब 5 दिसंबर यानी कल तय हो जाएगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करती है और कब यहां से यात्रियों के साथ पहली उड़ान देवघर वासी भर सकेंगे। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।